हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अख्तर यूट्यूब चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों, क्या आप भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस को अपनी फैमिली से छुपाना चाहते हो, या आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को कुछ ही लोगों को दिखाना चाहते हो और बाकी जो लोग हैं वो आपका स्टेटस ना देखें, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम व्हाट्सएप ऐप को ओपन करेंगे और उसके बाद जो है स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे। और अब दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ से अभी मैं कोई भी स्टेटस लगाऊंगा तो हमारे फ़ोन में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर सेव है उन सभी के पास जो है हमारा स्टेटस पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर जो हम सेटिंग करेंगे इसमें अब कुछ लोग हाइड करेंगे तो उसके बाद जो है वो हमारा स्टेटस नहीं देख सकते और कुछ ही लोग हमारा स्टेटस देख सकते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को तीन सेटिंग बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है अब मैंने यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक किया हुआ है और उसके बाद जो है ऊपर में आप लोग देख सकती हूँ थ्री डॉट, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टेटस प्राइवेसी इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और स्टेटस प्राइवेसी ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है वो कैन सी माई स्टेटस अपडेट। तो अब जो है आपका सॉरी यहाँ पर ये फर्स्ट में ये टैग लगा होगा, जैसे आप फर्स्ट टाइम अपना जो व्हाट्सएप ये प्राइवेसी आप ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पर ये फर्स्ट पे जो है ये टैग लगा होगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माई कॉन्टेक्ट्स। तो अब इसका मतलब ये है कि हम जो भी स्टेटस में यहाँ से अब लगाऊंगा तो हमारे फ़ोन में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर से हुए वो सभी के पास हमारा स्टेटस पहुँचेगा, वो सभी हमारा स्टेटस देख सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैंने टैग लगा दिया, अब जो दूसरे नंबर पर है माई कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो मैंने ये टैग लगा दिया ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लाल मैंने यहाँ पर कुछ टैग लगा हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पर मैं इसमें जितने भी लोग यहाँ पर ये टैग मैं लगाऊंगा तो ये सब लोग जो है ये हमारा स्टेटस नहीं देख सकते, इसको हमारा स्टेटस हाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हाइड स्टेटस फ्रॉम, तो अब जो है इन कॉन्टेक्ट को हमारा स्टेटस नहीं पहुँचेगा और हाइड हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे टैग लगाने हैं, जितनी भी आप यहाँ से टैग लगाओगी तो ये सभी के पास आपका स्टेटस नहीं पहुँचेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये एक मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डन पे क्लिक करना है फिर, तो जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपका स्टेटस उन्हीं सभी दोस्तों के पास नहीं पहुँचेगा जो आपने वहाँ से उसके कॉन्टेक्ट पे टैग लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पे आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर ये ओनली शेयर विद, तो इसका मतलब ये यहाँ पर मैंने कर दिया। और अब यहाँ से जितने भी आप यहाँ पर टैग लगाओगी तो आपका स्टेटस सिर्फ इन बंदों के पास पहुँचेगा और बाकी जो आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है उसके पास आपका स्टेटस नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिर यहाँ पर इस पर ओके करने, ओके करने के बाद आप लोगों ने डन करने और फिर आपने अपना स्टेटस लगाने, तो फिर इन लोगों के पास आपका स्टेटस पहुंचेगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में तीन सेटिंग बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करो। थैंक्स।